बनाने वाले हैं हम गोलगप्पे और होने वाला गोल। और गाइस देखिए चिरू धनिया और पुदीना ले आई है, ये इसकी ग्रीन चटनी बनेगी गोलगप्पे के लिए। ग्रीन चटनी नहीं, ग्रीन चटनी। मैं अच्छी हूँ। और देखिए हो चुका है लंच का समय, दोपहर की बजा है डेढ़। अभी दिया स्कूल से आई नहीं है तो मैं सोचा सारा काम आज मैंने फिनिश कर दिया। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मैं वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाई। किस लिए नहीं कर पाई? हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत ही लेट उठी थी और लंच भी बहुत लेट तैयार करा बच्चों का। लंच बहुत लेट बांधा था मैंने, इसलिए मैंने कोई कैमरा नहीं निकाला, कोई वीडियो शूट नहीं करी गाइज। तो मैं दोपहर से वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज देखिए खाने में मैंने क्या क्या बनाया था। ये भिंडी बनाई थी और ये आलू की सब्जी, और ये देखिए मिर्च फ्राई करी थी मैंने। ये मिर्च में मैंने नींबू और सारे मसाले डाले हैं, बहुत अच्छी लगती है ये मिर्च मुझे फ्राई। देखिए कितनी टेस्टी है ये, वाह तीखी भी है। और आप भी मेरे साथ लंच कर लीजिए। आज मेरा लंच 1:30 बजे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं प्रार्थना में गई हुई थी, वहीं से आई होगी। गाइस देखिए दिया स्कूल से आ गया, कितने भाग से दौड़ती आई है। देखिए हमारे घर में जब दिया आती है तो कितना रौनक हो जाती है, आती है देखिए कितनी भाग के आई है। और फ्रेंड्स मेरे लंच करने के बाद सभी थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट किया, मैं सो गई थी और बहुत तेज नींद आ गई थी, मेरी आँख लग गई। और चिनू ने तो मेरे सामने एक नया ही वो तैयार करके रख रखा है गाइस। आज हम करने वाले हैं गोलगप्पा चैलेंज, और उसके लिए हम बनाने वाले हैं बहुत सारे गोलगप्पे। और जो चैलेंज होगा मेरे और चीनू के बीच में, क्योंकि नहीं गाइस ये बहुत ज़्यादा खाती है गोलगप्पे, इसलिए नो नो नो, ये चैलेंज सिर्फ मेरे और चीनू के बीच में होने वाला है गाइस। नहीं गाइस नहीं, चलिए अब गाइस किचन में चलते हैं और शुरू करते हैं गोलगप्पे बनाने की तैयारी। तैयार करते हैं गोलगप्पे बनाने, क्योंकि हमारी दिया तो खाने में जीती जाएगी सबसे। हमें विश्वास है, ये तो नाना जी को भी विश्वास है, हमें भी विश्वास है। और चीनू आपको विश्वास है दिया जीतेगी? मैं जीतूंगी, पक्का यकीन है मेरे को तो, यही जीतेगा विनर। अभी दे दो ट्रॉफी बिना करे गाइस, बिना करे ट्रॉफी मिलने वाली है दिया को। देखिए अब इसको अभी आई है, अभी ड्रेस उतार रही है, अभी खाना। हाँ कोई नहीं, हाथ मुँह धोके आप खाना खाओ, कपड़े सारे उतार के, कपड़े सारे उतार रखो जल्दी से। चलो गाइस अब चलते हैं किचन में। और गाइस जैसे कि बनाने वाले हैं गोलगप्पे और होने वाला गोलगप्पे चैलेंज, तैयार गोलगप्पे बनाने के लिए अब चलते हैं। देखिए डो लगा दिया है आटे का और इसमें मिक्स करा है, क्या क्या पूछते हैं अब चीनू से चल के। चलिए बेटा दिखाओ, बेटा क्या किया आपने, क्या क्या रेडी कर दिया देखते हैं। हमने यार डो रेडी कर दिया है। वाओ क्या क्या मिलाया है आपने, क्या क्या मिलाया बेटा इसमें? इसके अंदर मैदा, सूजी और थोड़ा ऑयल और चीनी। चीनी नहीं, नमक। गाइस इसमें मैदा, सूजी और नमक मिलाया गया है और इसमें थोड़ा ऑयल भी डाला गया है इसको क्रंची करने के लिए। ये डो रेडी हो चुका है, देखिए क्रंची खस्ता करने के लिए गाइस।
ये डो रेडी हो चुका है और अब ये थोड़ी देर में हो जाएगा बिल्कुल गोलगप्पे बनने के लिए तैयार। अब देखिए चलते हैं अब हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई कहाँ है? ओ गाइस, आज हम इस छोटी सी कढ़ाई में बनाने वाले गोलगप्पे हैं। नहीं, टाइम इसे बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं गाइस, इसे हम छोड़ देंगे, अब दूसरी कढ़ाई लेते हैं, देखते हैं कौन सी कढ़ाई में बनाएंगे। अब नॉन स्टिक कढ़ाई निकालेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अरे चीनू, ये क्या कर रही है भाई? और देखिए गाइस, अब इसको पूरा रेडी हो चुका है। इसको क्या कर रही है ये? अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अच्छा, इसमें आपको और गाइस देखिए, चीनू ने बनाने शुरू कर दिए हैं छोटे छोटे गोलगप्पे। देखिए एक तो बना भी दिया है गाइस, और देखिए ये हो गई है बनाने के लिए एकदम रेडी। हमारा तेल गरम हो रहा है मंदी गैस पे, इतना हम गोलगप्पे रेडी कर लेते हैं। अब मैं फ्राई तो मैंने ही करनी है, ये तो सिर्फ बना बना के रख देगी गाइस। देखिए फ्राई तो मैं ही करूंगी ना ऐसे। और गाइस देखिए, ये गोलगप्पे बनके रेडी हो चुके हैं। ये बेल दिए चीनू ने और अब मैं इसको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तेल भी गरम हो चुका है और गाइस तेल भी गरम हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस तेल गरम हो चुका है यहाँ पे, और तेल हमारा गरम हो चुका है, हम डाल रही है गोलगप्पे इसमें। और तेल में तेल काफी एकदम से गर्म होना चाहिए, तेज 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 तेल गर्म रखते हैं तो गोलगप्पे जल्दी से जल्दी फूल जाते हैं। और फिर उसको डालने के बाद थोड़ा हमें थोड़ा हाथ स्लो कर देना है इसको, गैस को। अगर थोड़ा गैस स्लो करके पकाएंगे तो हम ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। और देखिए डल गए हैं, अब ये देखिए धीरे धीरे फूलने शुरू हो जाएंगे। चलो आप करो, फूल रहे हैं। वाओ, एक के साथ एक फ्री। बड़ी खुशी होती है जब हम कोई भी चीज ट्राई करते हैं और वो इतनी अच्छी बनती है। गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। ज्यादातर गाइस हम इसे इनको बनाने के लिए सरसों का तेल ही यूज करते हैं, क्योंकि रिफाइंड हम इस्तेमाल नहीं करते, हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा येलो सा कलर आ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, जो फूल गए वो गोलगप्पे तो नहीं फूले, वो पापड़ी। हाँ गाइस सही है, जो फूल जाए वो गोलगप्पे बन जाएंगे और जो नहीं फूल पाए वो पापड़ी बन जाएंगे, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। और ये देखिए दिया और दिया देखिए फूल साथ दे रही है, वो इसलिए साथ दे रही है क्योंकि चैलेंज इसके और मेरे बीच में होने वाला है और ये आज खूब खाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्प कर रही है दीदी की, वाह वाह। और गाइस देखिए फूल गए, मेरे को पलट दू अभी नहीं। और गाइस देखिए अब हम ये पलट रहे हैं गोलगप्पे को, देखिए सारे फूल गए हैं, बस एक आधी पापड़ी बना है। कोई बात नहीं, गोलगप्पे के साथ पापड़ी भी तो जरूरी है और क्या। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं, देखने के कितने डिलीशियस लग रहे हैं। अब हम उतार लेते हैं और चलिए अब निकाल लेते हैं। ये देखिए हो गए बन के रेडी।
प्यारे प्यारे हो गए फूल के। और गाइस देखिए चिरू धनिया और पुदीना ले आई है, ये इसकी ग्रीन चटनी बनेगी गोलगप्पे के लिए। ग्रीन चटनी नहीं, ग्रीन चटनी। साफ करके लाओ, ये रखनी है। और गाइस चटनी बनाने की प्रिपरेशन चल रही है देखिए, और मैं भी चटनी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मीठी चटनी, ये बना रही है चटपटी चटनी। देखते हैं किसकी जल्दी बनती है। गाइस चलते हैं किचन में। भी हमने गुनगुने पानी में फुले दी थी, ये फूल चुकी है। अब हम भी इसकी मीठी चटनी बनाने की रेडी करते हैं। आज यार गोलगप्पे बड़े भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत मेहनत है गाइस, बहुत मेहनत से एक वीडियो तैयार होती है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जो भी तैयार अपनी। और ये देखे मुझसे जल्दी बनाने की कोशिश कर रही है गाइस, मैं लग जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बनाने अभी। इसे थोड़े गोलगप्पे और बनाने हैं क्योंकि कम रह गए थे। अब मैं चटनी करती हूँ रेडी। ओके मिलते कुछ देर बाद। सो गाइस मम्मी का देखो क्या हाल कर दिया है। मम्मी इमली की चटनी बनाने वाली है ना, तो इसलिए इमली मम्मी ने छान दी है। और मैंने यहाँ पे धनिया पुदीने को वॉश कर दिया है अच्छे से। मैंने यहाँ पे धनिया पुदीने को वॉश कर दिया है। अब इसे हम गोभी की चटनी बनाने के लिए रेडी कर लेते हैं। क्या कर रहे हो ये? गोलगप्पे का पानी। ये हमारे गोलगप्पे का पानी तैयार हो, इधर दिखाओ ना मैं इसमें। गाइस हमारे गोलगप्पे का पानी तैयार होने वाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं एकदम चटपटा सा। देखिए गाइस हमारे गोलगप्पे का पानी रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी थोड़ी चटनी बच चुकी है। अभी इसमें रोस्टेड मसाले नहीं डाले। हाँ, रोस्टेड हुआ जी। और ये हमारे गोलगप्पे का पानी रेडी हो गया है गाइस। बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। और हम इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे गाइस। और गाइस देखो मेरा पानी रेडी हो चुका है। मम्मी यहाँ पे बना रही है मीठे गुड़ की चटनी। इमली और गुड़ की चटनी जो गाइस, ये रहा इमली का पेस्ट और ये रहा गुड़। ओ भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो ये गुड़ है हमारे पास, फोकस नहीं हो रहा है, गुड़ है हमारे पास तो ये मम्मी खांड क्यों डाल रही है? चीनी नहीं है मम्मी, खांड है। क्या आप खांड क्यों डाल रहे हो? थोड़ा बेटा मिठास के लिए, क्योंकि गुड़ थोड़ा नमकीन होता है, इसलिए खारापन सा ना आए इसमें। चटनी बहुत अच्छी बने हमारी तैयार हो। Okay. चटनी एकदम लाजवाब बनकर तैयार होनी चाहिए गाइस, इसलिए इसमें डाला है हमने खांड। Oh my God. और अब हम करने वाले हैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल के बॉइल। अभी देखेंगे। और गाइस गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है हमने, और देखिए ये थोड़ा पानी डाल दिया इसमें आधा का। अब ये देखिए अब ये मेल्ट हो जाएगा गुड़, फिर इसमें मसाले डालूंगी जो जो हमें डालना है। इमली का पल्प भी इसमें डलेगा अभी थोड़ा इसे पकने देंगे हम।